हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत के बावजूद लेबनान का हिजबुल्ला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्ला लेबनान को आईडीएफ के लिए कहीं दूसरा राफा न बना दे, वो राफा जिसे आईडीएफ के लिए मौत का जाल कहा गया, जिसमें जो भी इजरायली सैनिक जाता वो मौत के जाल में फंस जाता। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इसराइल और हिजबुल्ला का युद्ध जिस ओर करवट ले रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब आईडीएफ के लिए हिजबुल्ला को साफ करना आसान नहीं है, बल्कि उल्टा इस शह और मात के खेल में कहीं इसराइल ही चितना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि लेबनान में आईडीएफ के लिए एक एक दिन अपनी मौत का दिन साबित हो रहा है, और अब दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के साथ जंग में आईडीएफ के 5 और सैनिक मारे गए हैं, जबकि 37 जवान घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों की मौत दो घटनाओं में हुई। पहली घटना 23 अक्टूबर 2024 को हुई, जिसमें 4 सैनिक मारे गए, जबकि दूसरी घटना 24 अक्टूबर को सुबह हुई, जिसमें आईडीएफ का 5वां सैनिक मारा गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक 4 सैनिकों की मौत इसराइल के जारिद सेटलमेंट के उस पार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के साथ एक झड़प में हुई, और इस झड़प में कार्मेल ब्रिगेड के 4 सैनिक मारे गए, और यहीं पर इसी ब्रिगेड के अतिरिक्त 4 सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर एक सुरंग में गोरिल्ला स्टाइल में हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला के लड़ाकों ने सुरंग में छिपकर आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ ग्रेनेड बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी मुश्किल हो गया। और गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर यह झड़प हुई वो पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा था। इजरायली मीडिया की माने तो 37 में से 30 घायल सैनिकों को सफाद के जीव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि बचे हुए 7 जवानों को हाइफा के रामबान अस्पताल में भर्ती किया गया। आईडीएफ का कहना है कि घायलों में 2 अधिकारी भी हैं, जो 7वीं ब्रिगेड की 75वीं बटालियन के हैं। इनमें से एक एंटी टैंक हमले और दूसरा मलाकिया में मिसाइल हमले में घायल हुआ। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इन हमलों को लेकर हिजबुल्ला ने बड़ा दावा किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अभी तक आईडीएफ के 70 सैनिकों को ढेर कर दिया है, जबकि 600 सैनिक घायल हुए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने कम से कम 27 मेरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आईडीएफ के 4 मिलिट्री बुलडोजर, 1 आर्मर्ड व्हीकल और 1 एपीसी वाहन भी जंग के मैदान में नष्ट हो गया है। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि आईडीएफ अभी तक फ्रंट लाइन पर लेबनान के किसी भी गांव पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। वहीं इसराइल की बात की जाए तो इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसके 4 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं और अन्य 6 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में एक सैनिक ओकेस K9 यूनिट का था, जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2024 को हुई। बड़ी बात यह है कि इजरायली त्योहार सिम्हत तोराह के दिन भी हिजबुल्ला इसराइल में लगातार रॉकेट बरसा रहा था। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसने पिछले महीने में हिजबुल्ला के 3,200 टारगेट्स पर हमला किया, और 24 अक्टूबर को भी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के दाहिये में भीषण बमबारी की। दाहिये को हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है, लेकिन इन हमलों के बाद हिजबुल्ला ने भी इसी दिन उत्तरी इसराइल पर 120 से ज्यादा रॉकेट और कई ड्रोन फायर किए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसमें से कई रॉकेट कार्मेल शहर की रिहायशी इमारतों पर जाकर गिरे हैं, जिनमें भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस घटना को लेकर आईडीएफ का कहना है कि कार्मेल इलाके पर 5 रॉकेट दागे गए थे, जिन्हें एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया।